हेलो गाइस, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में जो पीजी का जो एडमिशन का जो प्रोसेस है नॉर्मल कोर्सेज के लिए, वो कल से स्टार्ट होने वाला है। तो कल से एडमिशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। और तो जब एडमिशन का जो पूरा प्रोसेस है, उसके पहले आपके लिए जो एडमिशन कैसे होगा, ये पूरा प्रोसेस जानना आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको पटना यूनिवर्सिटी में जो पीजी का एडमिशन होने वाला है, चाहे वो नॉर्मल कोर्सेज के लिए हो, इट मीन्स रेगुलर कोर्सेज के लिए, या फिर जो वोकेशनल कोर्सेज है जिसमें हम लोग मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो चर्चा करते हैं, यानी वोकेशनल कोर्सेज का या फिर रेगुलर कोर्सेज का, मीन्स रेगुलर या फिर नॉर्मल कोर्सेज कर सकते हैं, जिसमें मास्टर इन आर्ट्स, मास्टर इन साइंस या मास्टर इन कॉमर्स वगैरह जो सारे कोर्सेज होते हैं, ये सारे फैकल्टीज में किस तरीके से एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, इसके बारे में आज हम लोग कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में करते हैं बहुत ही कम समय में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बता देते हैं कि अभी जो पूरा नोटिफिकेशन है वो क्लियरली नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी के द्वारा रिलीज नहीं किया गया है, क्योंकि जब आप अप्लाई ऑनलाइन के सेक्शन पर आकर के इस सेक्शन पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये जो सारा अपडेट अलर्ट और अपडेट का जो सेक्शन यूनिवर्सिटी बनाकर रखी है, अभी इसमें से कोई भी सेक्शन काम नहीं करता है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था कि ये अलर्ट अपडेट का सेक्शन यानी प्रोग्राम वाइज डिटेल किसी पर भी आप क्लिक कीजिएगा तो फिर पीडीएफ आपके लिए डाउनलोड नहीं होगा, जबकि ऐसा अंडर ग्रेजुएट वाले कोर्सेज में नहीं, यूजी वाले में अगर अलर्ट अपडेट में किसी भी सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो एक पीडीएफ जनरेट होता है जिसमें सारा मैसेज, सारा प्रोसीजर देखिए आपको बताया गया है। लेकिन ये सारा जो प्रोसीजर है हम आपको अभी बता दे रहे हैं और ये सारा जो पीडीएफ है ये आपको कल तक अपलोड हो जाएगा। अगर बात करें तो प्रोसेस के लिए आपको क्या करना होता है कि पहले मैं वोकेशनल कोर्स, चूंकि वोकेशनल कोर्स का पहले से अप्लाई हो रहा है इसलिए मैं वोकेशनल कोर्स से शुरुआत करता हूँ, इसके बाद रेगुलर कोर्स पर भी आता हूँ। वोकेशनल कोर्स में एप्लीकेशन सबमिट करने के डेट के बारे में बता दूं तो 30 नवंबर तक एप्लीकेशन सबमिट करने का डेट है और उम्मीद भी है कि आपको एप्लीकेशन सबमिट करने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इस पे पहले वीडियोस हमारे अवेलेबल हैं, आप उसे देख करके सबमिट भी कर सकते हैं। तो वोकेशनल कोर्स का सबमिट करने का 30 नवंबर तक डेट है। इसके बाद एप्लीकेशन को सबमिट यानी एप्लीकेशन को यूनिवर्सिटी सारे एप्लीकेशन को कैलकुलेट करेगी कि कितना यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, वोकेशनल कोर्स में एडमिशन के लिए कितना एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। इसके बाद सारे डाटा को यूनिवर्सिटी रिलीज करेगी पेपर के थ्रू या फिर आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के थ्रू। इसके बाद यूनिवर्सिटी, आप जानते हैं कि वोकेशनल कोर्स में जो एडमिशन का प्रोसेस होना है वो एंट्रेंस टेस्ट पे होना है, यानी इसके बाद एंट्रेंस टेस्ट का डेट आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आप एंट्रेंस टेस्ट का प्रिपरेशन भी अपना सही तरीके से करते चलिए ताकि आपको प्रॉब्लम आगे नहीं हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के टाइम में अगर एंट्रेंस में आपका मार्क्स कम होता है तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, स्पेशली अगर जिनका मार्क्स 70 से कम होता है उनके लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि 2-3-4 कट ऑफ आने के बाद भी एडमिशन नहीं हो पाता है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि एंट्रेंस के एग्जाम में बहुत बेटर से बेटर कर सके, क्योंकि आपके ये अंडर कंट्रोल में है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 70+ मार्क्स को एग्रीगेट करें ताकि आपके लिए बेटर हो। तो वोकेशनल कोर्स में एंट्रेंस का जो डेट है, जैसे ही डेट इंड करेगा, आपको एप्लीकेशन सबमिट करने का डेट आपका इंड करेगा 30 नवंबर के आसपास में, और इसके 10 दिनों के अंदर अंदर यानी आप कह सकते हैं 10 दिसंबर के आसपास में आपको एंट्रेंस टेस्ट का डेट डिक्लेयर किया जाएगा। एंट्रेंस का जो टेस्ट है वो उम्मीद है कि जो डेट डिक्लेरेशन होगा इसके 10 से 15 दिन के बाद, यानी हम लोग कह सकते हैं 25 दिसंबर के आसपास में इसका एंट्रेंस का टेस्ट आपका कंडक्ट होगा, और एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होने के बाद फिर इसका रिजल्ट का प्रोसेस आएगा। रिजल्ट के प्रोसेस आने के बाद रिजल्ट भी उम्मीद है कि ये जो एडमिशन का जो प्रोसेस है लगभग जनवरी तक चल जाएगा, जनवरी एंड में जाकर के सारा एडमिशन का प्रोसेस खत्म होगा। इसका और भी कई रीजंस है, अभी रीजंस के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं। रिजल्ट उम्मीद है कि 5 जनवरी के आसपास में, यानी आप टाइम पीरियड वही 10 दिन का टाइम पीरियड का गैप लेकर के चलिए, रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने के बाद फिर काउंसलिंग का डेट आएगा। काउंसलिंग में क्या होता है कि आपको जो आपने चॉइस फिलअप किया है उसके अकॉर्डिंग आपका अलॉटमेंट होता है। अगर आपका अलॉटमेंट मतलब काउंसलिंग में आप कॉलेज चूज करते हैं, चूंकि आप कॉलेज चूज नहीं कर पा रहे होंगे, तो जब आपका रिजल्ट आएगा, मान लीजिए कि 5 जनवरी के आसपास आपका रिजल्ट आता है, इसके बाद आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कीजिएगा। काउंसलिंग के अप्लाई करने के बाद मेरिट लिस्ट आएगा, ये सारा प्रोसेस में आपको टाइम नहीं लगेगा। टाइम जहां तक लगता है एंट्रेंस रिजल्ट, यही सब प्रोसेस में टाइम लगता है, ये सब प्रोसेस में टाइम नहीं लगेगा। तो काउंसलिंग के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट के आने के बाद आपका फिर फाइनली कॉलेज में आप जाकर के एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट कीजिएगा, और तब जाकर आपका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। और यह सारा प्रोसेस में उम्मीद है कि जनवरी पूरा चला जाएगा, तब जाकर के आपका कहीं एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण, सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है कि अभी स्टूडेंट्स के पास डॉक्यूमेंट हाथ में नहीं है, यानी अगर ये पूरे प्रोसेस को तेज गति से करके मान लीजिए कि नवंबर में ही खत्म कर देती है तो स्टूडेंट्स के पास डॉक्यूमेंट्स रहेगा ही नहीं, तो वो कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा क्या करेंगे। इसमें इनका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पार्ट थर्ड का रिजल्ट। कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, कई सारे जब कॉल आते हैं पीजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा, जिसमें बताया जाता है कि LNMU हो गया, MU हो गया, PPU हो गया, ये सारी यूनिवर्सिटी में अभी तक रिजल्ट का भी पता नहीं है। तो वैसी सिचुएशन में यूनिवर्सिटी जानती है ये सारे प्रॉब्लम को। पटना यूनिवर्सिटी तो अपने रिजल्ट को डिक्लेयर कर चुकी है पार्ट थर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन फिर भी ये कोशिश करती है दूसरे यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट्स का ध्यान रखने के लिए, और इसी के रिगार्डिंग ये प्रोसेस को थोड़ा लेट लेकर के चल रही है। तो उम्मीद है कि जनवरी एंड तक सारा एडमिशन का प्रोसेस पीजी वाले फैकल्टीज में खत्म हो जाएगा। और बता दें कि सेशन ऑलरेडी लेट चल रहा है, तो ये जो सेशन में एडमिशन हो रहा है वो जो सेशन है 21-23 वाला सेशन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 20-22 वाला सेशन में एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम भी चल रहा था। तो आपको जो ये सेशन है 21-23 वाला सेशन है, आप ध्यान रखिएगा, भले जरा सा सेशन लेट है लेकिन आपका सेशन गैप नहीं होगा, इस बात का प्रॉपर ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप बात करते हैं अगर नॉर्मल कोर्स के लिए यानी रेगुलर कोर्स के लिए, जिसमें MA MSc MCOM होता है, इसके बारे में तो जो एडमिशन का प्रोसेस है लगभग सेम टाइम में होगा, जरा सा आपके लिए टाइम ज़्यादा है अप्लाई वगैरह करने के लिए भी, और आपके लिए जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो आपके लिए डेट
डेट ही है 20 दिसंबर तक। तो आपका जब तक लास्ट डेट अप्लाई होगा तब तक वोकेशनल वालों का एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा। इसके बाद लगभग उम्मीद है कि रिजल्ट आपका जो जो आपने अप्लाई किया है उसके आधार पर जो कट ऑफ वगैरह प्रिपेयर करना होगा वो 30 दिसंबर या कर सकते हैं 5 जनवरी के आसपास आपका पहला कट ऑफ आ जाएगा। उम्मीद है कि एडमिशन का प्रोसेस 3 कट ऑफ में खत्म हो जाता है, मैक्सिमम 3 कट ऑफ, और इसके बाद एक स्पॉट एडमिशन का कट ऑफ आता है। अगर स्पॉट एडमिशन के बाद भी सीट बच जाता है तो एक कैजुअल एडमिशन का भी प्रोसेस इस यूनिवर्सिटी के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है। तो मतलब 3-4-5 नोटिस के जरिए 3-4-5 प्रोसेस के जरिए से आपका एडमिशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो जो नॉर्मल कोर्सेज में है यानी एमए एमएससी एमकॉम में जो एडमिशन होगा उसमें ध्यान रखिएगा कि वो एडमिशन का प्रोसेस आपके डायरेक्टली परसेंटेज पर डिपेंड करेगा। तो आपका जितना बेटर परसेंटेज रहेगा आपको उतना बेनिफिट मिलेगा, आपके उतना चांसेस है। इसमें दूसरी यह भी एक बात है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स यानी पटना यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट्स पार्ट थर्ड को क्लियर किए हैं उनको प्रेफरेंस मिलता है सबसे पहले, मीन्स उनका रिजर्वेशन है, उनका रिजर्वेशन काम करता है, आपको लगभग 40% के आसपास उनका रिजर्वेशन काम करता है। तो उनके लिए रिजर्वेशन का पॉलिसी काम किया प्लस इनको सपोर्ट में, और अगर आपको मान लीजिए कि आपको भी कुछ प्रेफरेंस लेना है यूनिवर्सिटी के साथ में तो आप कम से कम अपना कैटेगरी का बेनिफिट लीजिए। और मैं बार बार अभी से बता रहा हूँ कि कम से कम कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है उसको अटैच कीजिए अप्लाई करने के टाइम में, ताकि आपको आगे प्रेफरेंस मिल सके। अगर आप जनरल के भी स्टूडेंट हैं तो आप ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है उसका यूज कीजिए। ईडब्ल्यूएस के बारे में उम्मीद करते हैं आप जानते भी होंगे, ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी जनरल कैटेगरी में भी जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिकली वीकर होते हैं उनके लिए एक सर्टिफिकेट होता है जिसके अनुसार से उनको 12% का रिजर्वेशन मिलता है जनरल कैटेगरी में होने के बावजूद भी। तो ये सारे बेनिफिट्स का यूज कीजिए और अपने एडमिशंस को कंफर्म कीजिए। सो गाइस ऐसा करते जो पूरा प्रोसेस था, जो पूरा डेट का शेड्यूलिंग था, वो डेट मैंने आपको समझा दिया होगा और प्रॉपर तरीके से समझाने की मैं कोशिश भी किया हूं और उम्मीद भी है कि इसी तरीके से कुछ फॉलो होगा। मे भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है कि आगे पीछे कुछ डेट में हो सकता है, बट जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर मैंने आपको पूरा बता दिया। तो एंट्रेंस टेस्ट वाले स्टूडेंट्स के हाथ में अपने हाथ में है, और जो नॉर्मल कोर्सेज में वो तो उनका परसेंटेज पर डिपेंड है और उनके कैटेगरी के सर्टिफिकेट पे। तो ये दोनों का यूज करके आप एडमिशन को कन्फर्म कीजिए और एंट्रेंस वाले अपने सपोर्ट अपने एंट्रेंस के एग्जाम को क्लियर करके कन्फर्म कीजिए। आगे जो आने वाले टाइम है जिसमें एंट्रेंस का डेट वगैरह आएगा, तो इसके लिए जो एंट्रेंस का जो मटेरियल है यानी किस फैकल्टी, जो मान लीजिए कि आपको एमसीए मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करना है तो क्या सारा आपको प्रिपरेशन करना, ये सारे आइडियाज मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज के जरिए से इसका सिलेबस को प्रपोज करके आपको दे दूंगा, ताकि आप एंट्रेंस के लिए बेटर वे में प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड प्लीज गाइज, अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आपका जो भी एडमिशन का जो प्रोसेस है वो भी लगभग जनवरी तक चलेगा, जनवरी से फरवरी तक चलेगा, तो उतना टाइम तक मैं आपके लिए सपोर्ट कर सकूं ताकि आप बेटर कर सके और आपका एडमिशन कन्फर्म हो सके। सो प्लीज अभी तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि फर्दर और फ्यूचर अपडेट हमारे सारे आपको प्रॉपर टू द टाइम मिल सके। सो फाइनली गाइज वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।